महिंद्रा मोटर्स अपने XUV 300 को फेसलिफ्ट देने वाले इंडिया के अंदर 2024 के स्टार्ट होने से पहले। तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने अभी अभी लॉन्च डेट भी बता दी, हालांकि नहीं बतानी चाहिए थी क्योंकि हम जो है उसके ऊपर डेडिकेटेडली आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो इस वजह से खैर वो सारी चीज़ें जाने दो। लेकिन XUV 200 भी आने वाली है। अभी XUV 200 के साथ में क्या चीज़ें होगी, एक चीज़ तो तय है कि Hyundai ने एक्स्टर को लॉन्च किया है, उसके पहले टाटा मोटर्स ने पंच को लॉन्च किया है। पंच ने काफ़ी सारा तहलका मचा के रखा था इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर। तो अभी एक चीज़ तो तय है कि माइक्रो SUVs बनाना स्टार्ट हो चुकी है और ब्रांड्स जो है उसके बारे में सीरियस भी होने लग गए। तो इस वजह से महिंद्रा की बारी है, इस बारी फाइनली वो लोग XUV 200 को भी लॉन्च करने वाले, और 200 के साथ में क्या चीज़ें होगी, उसके की हाईलाइट्स और क्या लॉन्च डेट और प्राइसिंग होगी, उसकी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। तो इस वजह से वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। XUV 200 माइक्रो SUV होने वाली है, 300 से भी वो थोड़ी सी छोटी होगी। डिज़ाइन अभी भी पूरी तरह से रिवील नहीं हुई है, लेकिन कई जगहों पे इसको स्पाइड किया गया है और वो भी टेस्टिंग होते हुए। तो इस वजह से गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन आना चालू हो चुकी है, और मैं आपको इसके की हाईलाइट्स के बारे में बता दूँ तो आपको जो है स्टाइलिश हेडलैम्प्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे DRL के साथ में। रियर भी आपको अच्छा खासा मच्योर डिज़ाइन वाला देखने को मिल जाएगा। अलॉय व्हील्स आपको स्पोर्टियर देखने को मिल जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें तो होते ही रहेगी। ड्यूअल टोन पेंट स्कीम के साथ में आपको गाड़ी देखने को मिलेगी। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा होगा। तो ये सारे एक्सटीरियर के पॉइंट्स या फिर बोल लो फीचर्स हैं जो कि की हाईलाइट्स के तौर पे मैंने आपको बता दिए। अभी अगर बात करें लॉन्च और प्राइस की, जिसके लिए इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हो, तो जनवरी के एंड होने के आसपास 2024 में 300 फेसलिफ्ट के जस्ट बाद या फिर उसी के साथ में इसको अनवील किया जा सकता है। 5 से 8 लाख की रेंज के बीच में आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगी। एक्स शोरूम की मैं बात कर रहा हूँ तो मोटा मोटी तौर पे जो पंच और एक्स्टर अभी जिस सेगमेंट के अंदर है, वहीं पे माइक्रो SUV के सेगमेंट के अंदर ही आपको XUV 200 देखने को मिल जाएगी। कुछ बातें अगर की हाईलाइट्स के तौर पर इंटीरियर की कर ले, तो वहाँ पे आपको जो है अभी तक हमें ज़्यादातर चीज़ें देखने को नहीं मिली है इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन जो भी मिली है हम आपको बता देंगे और हम बताने भी वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो बात करें तो अंदर आपको जो है 8 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगी, वायरलेस एप्पल कारप्ले जैसी चीज़ें देखने को मिलेगी, वायरलेस चार्जर देखने को मिलेगा, सिंगल पिन सनरूफ आपको देखने को मिलेगा, ड्यूअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगा, रियर एसी वेंट्स होंगे, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको फुल्ली डिजिटल देखने को मिलेगा, कूल्ड ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, सेंटर आर्मरेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी तो प्राइमरी बेसिस के ऊपर हमें देखने को मिली है इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर फीचर्स जो हमने आपके तक पहुंचा दी। लेकिन मेन पार्ट था लॉन्च और प्राइस का, जहां पे हम सबसे ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाते। तो आई होप आपको ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अपने ऑटो एंथुजियास्ट फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दो ताकि वो भी किसी और को जेन्युइन रिकमेंडेशन या फिर सजेशन दे पाए। एवरीडे आपके लिए ऐसे दो दो वीडियोस आते रहते हैं, तो वो ज़रूर देखा करो। बाकी अगर आपके कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चंस है तो कमेंट डाउन जरूर करके जाना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।